अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिस्मा जमील एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बना रही हूँ फजी ब्राउनी और मैं बनाऊँगी माइक्रोवेव में। बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है। सो इसके लिए चाहिए ऑयल और मिल्क, साथ ही इसमें जाएगा फ्लावर और शुगर। बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर और दो अंडे, और इन बेचारों के साथ वो वाली सिचुएशन है, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। सो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो एक बाउल ले लीजिए और इसमें अपने दो एग्स को ऐड कर लीजिए और आपने इनको बीट करना है इतना कि बस बीट हो जाए, फ्लफ नहीं बनाना आपको। और साथ ही इसमें जाएगी चीनी और अब हम चीनी को भी बीट करेंगे। सिर्फ इतना बीट कीजिए कि चीनी आपको कहीं पे नज़र ना आए। साथ ही इसमें जाएगा कोको पाउडर, सेम आपको इतना बीट करना है कि कोको पाउडर नज़र ना आए। फिर इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, साथ ही जाएगा मैदा, अब इसमें जाएगा ऑयल, सो इसमें जाएगा मिल्क और मिल्क डाल के आपको इसको बीट करना है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो किसी और की मदद लें, नहीं तो बीटर की मदद से इसको बीट कर लें। तो ये बीट हो गया है, तो देखें इसकी बिल्कुल रनी सी कंसिस्टेंसी है। आपको इसको बहुत थिक नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रनी सा होगा। अब आप एक डिश ले लें जो कि माइक्रोवेव प्रूफ हो और इसको अच्छे से ग्रीस कर लें और इसमें अपना मिक्सचर पोर कर दें। इसको अच्छे से हिला लूँगी एक दफ़ा ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। आप इसको एक दफ़ा टैप भी कीजिएगा ताकि इसके एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं। और अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी और इसको बाय बाय कहूँगी फॉर 8 मिनट्स। तो मेरा माइक्रोवेव जो है वो ग्रिलिंग वाला है, बट स्टिल मैं इसको सिर्फ माइक्रोवेव कर रही हूँ फॉर 8 मिनट्स। मेरी ब्राउनी पे मुझे गनाश पसंद है, तो मैं इसके लिए ले रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ क्रीम। आप चाहें तो क्रीम की जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून शुगर, और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, और मैं इसको विस्क कर लूँगी अच्छे से। मिक्स मिक्स मिक्स। सो अगर कलर लाइट लग रहा है आपको तो इसमें कोको पाउडर और ऐड कीजिए, और मैंने इसमें 1/2 टीस्पून और डाली थी। साथ में इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क जाएगा क्योंकि ये थोड़ी सी थिक होती है, तो थोड़ी सी लाइट थिन सी करने के लिए इसको मैंने डाल दिया था। सो ये मेरा ओवन से मैंने बाहर निकाल लिया था माइक्रोवेव ओवन से, और फिर मैंने इसके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना ठंडा हो जाए। और अब मैं इसको एक सेरेटेड नाइफ से इसको डिश से अलग कर रही हूँ, और अब इसके ऊपर एक प्लेट रखें और इसको फ्लिप कर लें। फ्लिप करने के बाद इसको टैप कर लें अच्छे से एक दो दफ़ा, तो ये आपका आसानी से बाहर आ जाएगा। सो ये आ गया बाहर, और अब मैं इसके ऊपर सॉस लगा रही हूँ। तो मुझे अपनी चॉकलेट गनाश या फिर सॉस जो है वो चारों साइड्स पे पसंद है, तो मैं उसको पूरा कोट कर लेती हूँ। अगर आपको साइड्स कवर पिक करना पसंद नहीं है तो इसको सिर्फ टॉप पे लगाएं, और अगर सॉस बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर इसको इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं।
तो ये मैं अब कट कर रही हूँ, तो ये देखिए कितनी आसानी से कट हो रहा है और ये कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए मैं इसको इतने हार्शली प्रेस कर रही थी लेकिन फिर भी ये इतना सॉफ्ट है। तो अब आती है इसको खाने की बारी, तो हम इसको खाएंगे और बताएंगे कि कैसा बना है। सो ये बहुत ही मज़े का बनता है क्योंकि ये मैं तकरीबन हर 3-4 दिन बाद बना ही लेती हूँ, तो ये बहुत ही इजी सा है, जल्दी से बन जाता है, इसलिए मैं बना लेती हूँ। सो ये इसकी फ़ाइनल लुक। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।